चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम भजनलाल का आज जोधपुर दौरा है। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। नामांकन सभा में शामिल होंगे सीएम भजनलाल। सीएम पोलो ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 4 बजे वापस जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियारडा से है। तो सीएम भजनलाल का आज जोधपुर दौरा है और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपना नामांकन भरने वाले हैं और आपको बता दें कि सीएम इस सभा में शामिल होने वाले हैं। सीएम पोलो ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में नामांकन के दूसरे दिन भी एक और तस्वीर सामने आएगी। नामांकन प्रक्रिया 28 से शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार नामांकन प्रक्रिया जारी है। मेरे साथ राकेश भारद्वाज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। राकेश, नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी और ऐसे में सीएम भजनलाल का आज जोधपुर दौरा भी है। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के नामांकन का आज दिन है जिसमें शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? अगर आज बात करें नामांकन प्रक्रिया का, आज वैसे तो तीसरा दिन है, दो दिन तक कोई नामांकन नहीं आया। आज अब तीसरे दिन कई नामांकन भरने की उम्मीदें जताई जा रही है, जिसमें सबसे खास बात है कि भाजपा के जो प्रत्याशी है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो आज अपना एक नामांकन दाखिल करेंगे और उनके नामांकन के लिए सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो भी जोधपुर पहुंच रहे हैं। विशेष चार्टर से उनके 12 बजे जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। 12 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे जहां जनकरीब जो है जनसभा है और इस जनसभा को करीब 1.5 घंटे तक जो है उस जनसभा में रहने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। यहां से मुख्यमंत्री जनसभा के बाद एक स्थानीय कार्यक्रम तो बताया जा रहा है, उसके बाद भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान जो है भाजपा प्रत्याशी और पूर्व के भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जो है वो नामांकन भी दाखिल किया जाएगा और नामांकन को लेकर लंबे समय से जो है वो क्या चल रहा था कि कब तक, अब आप अंतिम दिन आ गया है कि वो अपना नामांकन आखिरकार जमा करवा रहे हैं। और पिछले 3-4 दिन से जिस तरीके से भाजपा की ओर से जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है नामांकन को लेकर, उसको लेकर एक विशाल जनसभा का जो है वो पोलो ग्राउंड में आज आयोजन किया जाएगा। सारे जोधपुर जिले के जो सारे विधायक है भाजपा के वो सभी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है वो भी सम्मिलित होंगे। इनके अलावा भाजपा के सारे पदाधिकारी जो है वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी वो सभी इस जनसभा में अधिक से अधिक रूप से सम्मिलित होने का आह्वान कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, और यहाँ पर और क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है सीएम के इसके अलावा? जी, जहाँ तक बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दो कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। एक तो जो जनसभा है मुख्य उद्देश्य जनसभा है, उसके अलावा कोई स्थानीय कार्यक्रम है जो भाजपा नेताओं से भी वो परिचय बातचीत करेंगे। उस कार्यक्रम में ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाजपा के नेताओं से वो कुछ देर के लिए बात भी करेंगे। राकेश, एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, दूसरी तरफ करण सिंह उचियारडा, किसके हाथ में आखिर जोधपुर की बागडोर होने वाली है? जी, बात करें दोनों ही नेता जो है वो प्रभावी है, राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत बाहुली सीट होने के लिए, राजपूत मतदाता अधिक होने की वजह से दोनों ही पार्टियों ने इस बार राजपूत समाज से ही प्रत्याशी बनाए हैं। अब देखने वाली बात है कि किसके पक्ष में मतदान अधिक होता है, वो तो आने वाला वक्त बताया। अभी अपन ये कह नहीं सकते कि किसके पक्ष में मतदान अधिक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच जो मुकाबला है वो अब रोचक होता जा रहा है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आपसे और अपडेट भी लेंगे। तो देखिए, आज बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत का नामांकन है, सीएम जनसभा में शामिल भी होंगे और ऐसे में एक कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। पोलो ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम।